नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से। मैं हूं आपका दोस्त रोहित, और आज जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं वो मेरा वीडियो है आज क्रूज कंट्रोल के ऊपर। क्रूज कंट्रोल क्या होता है, कैसे ये काम करता है, क्या ये फीचर है, और किन गाड़ियों में कंपनियों के द्वारा ये ऑफर किया जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले जो मेरे वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। दोस्तों क्रूज कंट्रोल के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये फीचर जनरली कार कंपनी द्वारा अपनी प्रीमियम कारों में दिया जाता है। और जैसे कि आप अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि स्टेयरिंग है, स्टेयरिंग आपको दिख रहा है, इसके राइट साइड में जो ये फीचर दिया हुआ है इसको बोलते हैं क्रूज कंट्रोल। ये कैसे काम करता है ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। बिल्कुल अभी जो गाड़ी मैं ड्राइव कर रहा हूं वो है मारुति सुजुकी XL6। तो XL6 के स्टीयरिंग में भी ये राइट साइड में ही दिया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, स्पीड बढ़ाने के लिए प्लस और स्पीड कम करने के लिए माइनस, और ये क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन। तो अब मैं आपको दिखाता हूं। देखिए गाड़ी अभी जो है फिफ्थ गियर के अंदर है और गाड़ी है अभी 70 की स्पीड पे। एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि क्रूज कंट्रोल जो फंक्शन है जनरली ये 40 के बाद में इस फंक्शन को यूज किया जाता है। 40 से पहले अगर आप इसको यूज भी करना चाहेंगे तो ये फंक्शन काम नहीं करेगा। और इस फंक्शन का मेन जो यूज है वो है हाईवे के ऊपर, जहां पर आपको ना बार बार ब्रेक लगाने हैं, ना बार बार गाड़ी की स्पीड को बढ़ाना है, कम करना है, ना बार बार आपको गियर चेंज करने हैं। तो ऐसे समय में ये फंक्शन हमारे काम आता है। और क्रूज कंट्रोल फंक्शन जो है अपनी ड्राइविंग को एक बिल्कुल ही कंफर्टेबल बना देता है। अब मैं आपको प्रैक्टिकल इसका दिखाता हूँ एक बार। अभी गाड़ी जो है फिफ्थ गियर में है और आप ये इंटरफेस देख पा रहे होंगे भी MID का जो मिड के अंदर है। अब आप देखिए ये क्रूज कंट्रोल का फंक्शन है। जैसे ही मैं इसको एक बार प्रेस करूंगा तो प्रेस करते ही आप देखेंगे इंटरफेस कुछ इस तरीके का होता है। ऊपर ये जो यहां पर बना हुआ है साइन क्रूज कंट्रोल का, सेम एज इट इज ये स्क्रीन के ऊपर भी शो हो रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूं, गाड़ी देखिए 40 के ऊपर है। तो जैसे ही मैं एक बार प्लस वाले बटन को या माइनस वाले बटन को जैसे मैं एक बार क्लिक करूंगा नीचे की तरफ, तो ये देखिए आप बीच में देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर स्पीड जो है गाड़ी की अभी 55 है और ये कॉन्स्टेंट हो चुकी है बिल्कुल। मतलब यह है क्रूज कंट्रोल जो है ऑन हो चुका है गाड़ी का, और 55 की स्पीड पर गाड़ी अब मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ना मैं ब्रेक लगा रहा हूं, ना मैंने क्लच दबा रखा है, कुछ भी नहीं। गाड़ी का गियर जो है वो भी फिफ्थ में है और देखिए गाड़ी अपने आप रन कर रही है। अब क्रूज कंट्रोल को रिलीज कैसे किया जाए, तो उसके लिए इसमें भी आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर एक तो फंक्शन दिया हुआ है कैंसिल, और एक इसका जो साइन दिया हुआ है क्रूज कंट्रोल का। तो अब देखिए जैसे मैं इसको कैंसिल करूंगा तो आप देख पा रहे होंगे जो ऊपर स्पीड है इसके पास से सेट हट गया है। अब मैं वापस प्लस दबाऊंगा, वापस से सेट आ गया है। मतलब ये सेट अगर स्क्रीन पे शो हो रहा है तो इसका मतलब क्रूज कंट्रोल ऑन है। तो एक तरीका तो यह है कि अगर मैं कैंसिल का बटन को प्रेस करता हूं मैं तो क्रूज कंट्रोल रिलीज हो जाएगा। अब दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं, ये जो इसका साइन बना हुआ है क्रूज कंट्रोल का, अब मैं इसको एक बार प्रेस करूंगा तो आप देखना स्क्रीन के ऊपर से ये ऑफ हो चुका है। अब मैं दोबारा इसको प्रेस करूंगा तो ये स्क्रीन पे आ चुका है और अब ये 40 से नीचे आ गई है स्पीड, तो क्रूज कंट्रोल अब काम नहीं कर रहा है। तो मेरे को एक बार 40 से ऊपर ले जाना पड़ेगा इसको। ये 40 से ऊपर आई गाड़ी की स्पीड, फिर मैंने माइनस दबाया, 53 के ऊपर गाड़ी की स्पीड अब सेट हो गई है। तो दो तरीके मैंने आपको बताए, स्टेयरिंग के अंदर ही कैंसिल बटन दिया हुआ है, अगर आप उसको कर देंगे प्रेस तो भी क्रूज कंट्रोल कैंसिल हो जाएगा, और अगर आप इस बटन को प्रेस कर देंगे तो भी क्रूज कंट्रोल कैंसिल हो जाएगा। तीसरा ये है कि अगर आप ब्रेक दबाएंगे तो ब्रेक दबाते ही देखिए आप देख पा रहे होंगे सेट हट गया है। तो ये तीन तरीके हैं इसको कैंसिल करने के लिए। मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ट्रैफिक जहां पर है वहां पर इस फंक्शन का कोई यूज नहीं होता है, हाईवे के ऊपर ही अपने को इसको यूज में लेना है। और क्रूज कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि आपको ब्रेक पे से पैर हटा लेना है, स्टीयरिंग पे से हाथ हटा लेना है अपना और गाड़ी अपने आप चलेगी।
क्रूज कंट्रोल फीचर इस चीज के लिए है कि आप लॉन्ग रूट पे हैं, लॉन्ग ड्राइव के ऊपर है हाईवे पे, आपको बार बार गियर चेंज नहीं करने हैं, फिफ्थ गियर में गाड़ी लगातार चल रही है, एक स्पीड पे आपको गाड़ी चलानी है, तो आप इस फंक्शन को यूज कर सकते हैं। जनरली ये जो फीचर है 9 से 10 लाख की गाड़ियों में हर कार कंपनी ऑफर करती है। तो ये था मेरा वीडियो दोस्तों आज का क्रूज कंट्रोल के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपने अंत तक इस वीडियो को देखा होगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो मेरे को कमेंट बॉक्स में आप लिख करके बताएं, और मेरे चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आपको यूजफुल लगता है तो इसे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर कीजिए। और वीडियो के दौरान जो ये आपको एक बच्चे की आवाज़ आ रही होगी जो डिस्टर्बेंस हो रहा है, ये मेरी 1.5 साल की बेटी है, तो इसके लिए सॉरी और थैंक यू सो मच।